ये हमारा सेकंड डायरेक्ट इंटरेक्शन से मीटिंग है। एज जैसा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कल हम ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं इस तरह का। एक बार में ही सभी स्टूडेंट्स को बुलाना संभव नहीं है। आप जो देख सकते हैं कि इसकी जो इस जो ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी है इज अबाउट 500 और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं टोटल इज अबाउट मोर देन 4000। एक अभी जो इस वर्ष जो सेमेस्टर वन में जो एडमिशन हुए हैं वो 4200 ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर अगर बात करें तो एटलीस्ट मिनिमम में भी अराउंड 8500 और नियर में भी 9000। तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक बार हम यहाँ सभी को बुला सकते हैं। जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह बुलाया गया है। जैसे आज जो है साइंस रिलेटेड है और ज्योग्राफी जो कि जो साइंस टोटल मिलाकर जो हो रहा था कुछ स्पेस बच रहा था इसीलिए ज्योग्राफी को बुलाया गया। इट वाज नॉट पॉसिबल टू एकोमोडेट देम बिकॉज दैट नंबर वाज टू लार्ज। एनीवे ये हमारा मकसद ये है कि ये मकसद ये है कि मैं डायरेक्ट आपसे बातचीत करूं, मैं कुछ आपके भविष्य के लिए कुछ बताना चाहता हूं कि आप कैसे बिकॉज दिस इज द पीरियड जो आपका अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए उनके लिए 2 साल है, जो थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए 1 साल है। तो आप कैसे स्टडी करें कि आप अपने भविष्य को अच्छे स्थान पे मैंने अच्छा जॉब हो चाहे और कुछ जो आप अपनी मंजिल जो बनाए हैं जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं उसको कैसे प्राप्त किया जाए। सी व्हाई आई थॉट सी मैं भी एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग्स करता था। ऑफ कोर्स इट्स लॉन्ग लॉन्ग एगो नाउ आई वुड से दैट हमारी फैमिली उतनी अब उस तरह से नहीं है जो बैकग्राउंड हमारे आज से आई एम टॉकिंग मे बी 70s। मैंने 81 बैच मैं ग्रेजुएशन में यहीं सेंट कोलंबस से किया था केमिस्ट्री एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइंट BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देयर आई डिड माई MSc इन केमिस्ट्री विथ ए स्पेशलाइजेशन इन न्यूक्लियर एंड फिजिकल केमिस्ट्री and after that just after that I joined immediately within 6 months I joined Bhabha Atomic Research Center as a scientist. See that was a class 1 post still that every year main wahi aap log ko batana chahte hain ki wo still that open kitni opportunity hai jo aap us jagah pe bhi aap hi ja sakte hain only that कैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी वो मेरा यहाँ पर मेन मकसद वही है कि फॉर यू एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज ओपन। साइंस के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। एज डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सेड से आई ऑल्सो हैव गॉन मैनी प्लेसेस बट ऑन माई मेरिट बेसिस। तो मैं तो चाहूँगा कि आप हमारे विद्यार्थी हैं इस यूनिवर्सिटी का नाम आप रोशन करें। मैं तो चाहूँगा मैक्सिमम जितना हो सके यहाँ के विद्यार्थी अच्छे अच्छे पोजीशन पर और वर्ल्ड के अच्छी कंट्री में आप अपना पोजीशन कायम करें। आप अगर BHU का नाम लेते हैं BHU अगर कहते हैं कि कहाँ कौन सा कंट्री में एनी कंट्री इफ यू गो देयर यू विल सी दैट कि हर जगह आपको BHU मिले और अच्छे अच्छे पोजीशन में मिले। आई एम जस्ट टेलिंग वन एग्जांपल कि एक बार हम एल्यूमिनी मीट बॉम्बे में हम ज्वाइन किए
तो वहाँ वर्ल्ड के बहुत से जगह से वहाँ ज्वाइन किए थे, आए थे और शामिल हुए वो कॉन्फ्रेंस में। और इनफैक्ट वो जितने एलुमनी थे उन लोगों ने कुछ ऐसा अराउंड मोर देन 40 करोड़ एक्चुअली इट वाज कलेक्टेड और वो डोनेट किया गया बीएचयू के कि ये डिपार्टमेंट बनना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे जगह पे जाएंगे, एक तो हमारे इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा, दूसरा है कि अगर वैसा लगे और आप अगर इस लायक हो जाएं कि आप भी इस यूनिवर्सिटी को कुछ हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नहीं है कंप्लीट है, देर आर मेनी सब्जेक्ट्स अभी जो हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ वो सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, बट कुछ हमारे भी लिमिटेशन हैं जो वो अभी हम नहीं कर पा रहे। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह आप स्टडी करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप रियली आप में डिटर्मिनेशन है, आपका रियली आप में विल पावर है, वो आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग। और अभी समय है, आप आई थिंक जो समय अभी बीत रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए, प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा अभी आपको तकलीफ हो, यू हैव टू सैक्रिफाइस मैनी थिंग्स, बट आई श्योरली आई सेड मैं आपको, आप खुद भी एक्सपीरियंस, एक दिन आप लगेगा कि मैंने जो सैक्रिफाइस किया मुझे प्राप्त हुआ, एंड डेफिनेटली आई वुड से दैट वन डे यू कैन अचीव योर गोल। उसके लिए अकॉर्डिंगली जस्ट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे आई एम नॉट टेलिंग इज आई एम ग्रेट, बट सिंस आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी ग्रास रूट लेवल, एज आई सेड माय फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी पुअर, वाज, मेरे कोई फैमिली में पढ़े लिखे नहीं थे। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप में से बहुत से कुछ अभी स्टूडेंट होंगे जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होगा, बट आप ये मत सोचिए कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर है तो मैं ऊपर नहीं आ सकता। आज मैं आपके सामने में खड़ा हूँ तो मैं भी एक वैसे ही फैमिली से आया हूँ, तो जब मैं आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते। तो डेफिनेटली यू कैन, बट फॉर दैट यू हैव टू रियली यू हैव टू पुट एफर्ट्स। मेरे ये नहीं कहने का मतलब है कि एवरीबॉडी आप जो है सो सब वाइस चांसलर, हो सकता है वाइस चांसलर से ऊपर भी पोजिशन हो। सी व्हेन आई वाज इन बाग, एक्चुअली पोजिशन वाइज कहा जाए तो दिस इज लोअर देन दैट व्हाट आई वाज देयर, तो वो नहीं है। बट डेफिनेटली व्हाट आई वांट टू से दैट जो आप गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी में आपने जो भी एम बनाया कि मैं ये बनना चाहता हूँ, यू नो इन माई लाइफ, चूंकि हमारे कोई गाइड करने वाले नहीं थे तो कौन थे, कैसे मैं बढ़ा, तो टीचर्स, हमारे अच्छे अच्छे टीचर मिलते गए, उनका गाइडेंस मैं लेता गया और मैं इस मुकाम पर पहुंचा। इसलिए टीचर का रियली कहा जाए मेरे नज़रों में बहुत ऊंचा स्थान होता है। मैं समझता हूँ आप एक, आप रिस्पेक्ट करेंगे उनको, आप इज्जत देंगे, वो भी आपको हर चीज़ देने की कोशिश करेंगे, वो विद्या बांटना जानते हैं, वो जब इसीलिए यहाँ आए हुए। अगर आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको उतना रिस्पेक्ट ना दे और जस्ट अपना ड्यूटी पूरा करें, क्लास लें और चले जाएं। आई थिंक यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। कुछ चीजें हो सकता है कि कोई टीचर थोड़ा 19-20 या थोड़ा सब्जेक्ट उतने बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट इज आफ्टर ऑल टीचर, इज मच मोर नॉलेजेबल देन यू। बट आई वुड सजेस्ट सेम टाइम सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप खुद भी कितना समय आप दे रहे हैं उसमें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका उस सब्जेक्ट में डेप्थ कितना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और वही चीज़ सी मैं बोला हमारे बैच में लोग, मेरी ये इच्छा नहीं थी कि मैं आई एस बनूँ, यू पी एस कम्पीट करूँ, आई नेवर अपीयर्ड एनी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओनली एग्जाम दैट इज पार्क ओनली आई गेट द वेयर आई वाज सिलेक्टेड। बट हमारे कुछ फ्रेंड ने, बहुत से आप लोग में से इच्छा होगी कि हम आई एस बनेंगे, यस आप अपनी जो जो आपकी इच्छा है उसको,
जो करने की इच्छा है। ऐसा नहीं है किसी के सजेशन पर कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो इसको आप बहुत स्कोपिक है तो कर लिया और आप अच्छा नहीं कर पाए तो नो। आप कोई भी आने वाले समय में आप एंट्रेंस आप एग्जाम फेस करेंगे उसमें शायद जो आप सब जिस सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे हैं शायद और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एक आध दो सब्जेक्ट लेना पड़े। आप उस सब्जेक्ट को लें कि जो आप उसको अच्छी तरह कर सकते हैं, नॉट सजेस्टेड बाय एनी अदर पर्सन, यू योर सेल्फ यू डिसाइड कि आपकी क्या इच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज द टाइम आप अगर ये एम बनाए हुए कि हमको जीपीएससी या यूपीएससी करना है, इस तरह का हमको जॉब में जाना है, तो आई वुड से दैट राइट नाउ यू कैन स्टार्ट दैट प्रिपरेशन। कभी भी कोई एग्जाम कोई जो है वो जस्ट शॉर्ट पीरियड में नहीं किया जा सकता, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट समय पर मिले। हो सकता है कि आपका 6 महीने का जो कोर्स है हम 4 महीने में ही हम कर रहे हैं, मे बी यू आर सफरिंग, बट आने वाले समय में जो दूसरे स्टूडेंट नहीं सफर करें, बट आई थिंक इवन जो कोर्स आपका है इफ यू पुट्स रियली, अगर आप रियली टाइम देते हैं खुद भी स्टडी करते हैं तो आई थिंक इवन 3 months इज मोर देन एनफ। और मैं समझता हूँ कि पढ़ाई इस तरह से करना चाहिए कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड रेडी फॉर एनी एग्जाम। अगर आपको 1 हफ्ता के बाद भी देना है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। यू नो व्हेन आई जॉइन बार ड्यूरिंग 1 year ट्रेनिंग वाज देयर वेरी रिग्रस 2400 मार्क्स इन वन ईयर। एवरी मंडे वी हैड एग्जाम्स एवरी मंडे, और जो जैसे सैटरडे को पढ़ाई हुई है जो खत्म कोर्स हुआ मंडे एग्जाम ऐसे थे, सॉरी सैटरडे वहाँ 5 days वीक होता था, फ्राइडे पढ़ाई हुआ तो मंडे एग्जाम, संडे से जस्ट वी यूज टू गेट ओनली 2 days। और बहुत सारा कोर्स इंजीनियरिंग सो मेनी थिंग्स वी हैव टू स्टडी, नॉट ओनली ये इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री से मैं एमएससी किया, पीएचडी भी मैंने केमिस्ट्री किया, बट इंटायर लाइफ आई डिड माई वर्क इन फिजिक्स, आई ज्वाइन देयर फिजिक्स डिपार्टमेंट, इवन आई यूज टू सीट इन द इंटरव्यू कमिटी फिजिक्स में ही बैठा रहता क्योंकि मैं फिजिक्स में ही पूरा काम कर रहा था। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आपका जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर रियली आप जो सब्जेक्ट में पीजी कर रहे हैं और कोई इंटरेस्ट भी है दूसरा है तो यू मस्ट, आप इसके बाद ओपन है। यू नो एनईपी 2020 लागू कर दिया गया है यूजी लेवल में, और उसमें आपको पता होगा कि अब एमफिल की पढ़ाई को उसमें बंद कर दिया गया। अर्लियर आफ्टर पीजी मेनी पीपल यूज टू डू एमफिल, ऑफ कोर्स अभी पीजी उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो जो आर इंटरेस्टेड वो जो है कि हम एकेडमिक लाइन में जाना चाहेंगे, अगेन यू जस्ट थिंक दैट, आप अच्छी तरह सोचिए कि आपको मन किस में लगता है। अगर इवन इफ यू एकेडमिक लाइन आप मान लीजिए कि इवन साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, आपको ये लगे कि हर समय आपको वो काम करने की इच्छा हो, नॉट एज ए जॉब, आई थिंक अगर आप वो करेंगे ना तो यू विल इंजॉय योर लाइफ, नॉट वर्किंग ऑल्सो। अब जहाँ भी रहेंगे, दैट फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे जॉब में नहीं जाना चाह रहा था जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मुझे कोई पूछे कि एक्सप्लेनेशन व्हाई हाउ, मैं नहीं जाना चाह रहा था। और मैं लकली ऑफ कोर्स मैं हमारा अपना एम था, मैंने जो बनाया था कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से मैं पीएचडी करूंगा, देन आई विल गो अब्रॉड फॉर पोस्ट डॉक्टर कम बैक एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन एज ए लेक्चरशिप और प्रोफेसर, बिकॉज टीचिंग वॉज रियली आई लाइक इट। बट डेस्टिनी कभी कभी वो होता है, देन सिंस आई ज्वाइन मीन्स आई गॉट सेलेक्टेड इन बार एंड दैट वॉज ए रिसर्च जॉब, दो इट इज ए क्लास वन, बट वहाँ पावर की बात नहीं थी, जहाँ रिसर्च होता है कोई पावर नहीं होता, एंड ज्वाइन एज ए रिसर्च मीन्स साइंटिस्ट, दे आर ऑल्सो आई लर्न, मैंने अपनी पहचान छोड़ा,
मैंने डे नाइट आई यूज टू वर्क और यू वेदर यू बिलीव और नॉट सी मेनी टाइम्स आई यूज टू वर्क 14-15 आवर्स देयर इवन आई वुड से दैट 2014-15 यू नो आई यूज टू वर्क 14-15 आवर्स देयर समथिंग कि हम न्यू समथिंग आई शुड गेट दैट आई जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट इवन आई वॉज नॉट इंजीनियर बट मेनी थिंग्स आई लर्न मैं मेरी इच्छा थी कि बहुत से डिटेक्टर जो है आप अभी आगे चल के कहेंगे योर आई इज अ डिटेक्टर आप डिटेक्ट करते हैं बट इज ओनली विजिबल लाइट एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल इफ यू वॉन्ट टू सी दैट यू नॉट एबल टू सी एंड दैट वी कॉल इट इज ए रेजोल्यूशन एवरी इक्विपमेंट हैज ए सर्टेन रेजोल्यूशन आवर आई इज ऑल्सो रेजोल्यूशन हाउ स्मॉल यू कैन सी दैट बट If you, that is why there is some other equipment, many detectors, and that works on electronics, engineering things. We also learn that how that works, if something goes wrong, how to rectify that problem. Because you are the user, you should know that, what is the behavior of that. Agar something somewhere, if it is wrong, you are able to correct it. But wo tabhi ho sakta hai jab aapka interest अगर नहीं तो देन यू नो यू हैव टू वेट आप मैकेनिक जब आएंगे वो करेक्ट करेंगे एग्जांपल जस्ट आई एम सोइंग आई वाज इन जापान 97-98 पीरियड दैट टाइम आई वाज इन अ वेरी वन नोबेमा रेडियो ऑब्जर्वेटरी मींस व्हाट एवर द फ्रॉम द स्काई दैट लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स टू कलेक्ट दैट यू हैव अ वेरी बिग टेलीस्कोप And you measure that, and laboratory measurement you do that, and then compare. So what is happening there, you can know that. और ये एक बार जो हमने instrument जो approved कर रहे थे, उसमें एक detector, उसमें एक circuit था, and suddenly मैं जो जिस laboratory में वो गया था, जो in charge professor थे, he was in abroad that time, UK for 15 days, and one night. I was doing experiment, something goes wrong. And that circuit, something came out. You know, their manpower is very less. And it was evening time. So, I learned, I see the circuit diagram, and I did myself. And it started working. देखिए कहने का मतलब ये कि आपकी इंटरेस्ट रहेगी तो आपको करने का है उसी को अगर मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं रहता तो हम रखते जब वो आते किसी को बुला के करेक्ट करवाते तब वो स्टार्ट करते मन से कहने मतलब 14-15 दिन हमारा वेस्ट चला जाता कहने मतलब देखिए कभी भी ये मत सोचिए कि दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट ये सिर्फ देखिए कि आप में करने की इच्छा है कि नहीं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अगर इच्छा है ना तो ऐसे ही पोर्शन आपका ठीक हो जाएगा जैसे मोबाइल है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल है यू कैन लर्न बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट आप जानना चाहते हैं जो आपकी जानने की इच्छा है इसलिए आप जानते हैं बट आप इनसाइड क्या है हाउ इट वर्क बिकॉज यू नेवर थॉट दैट आपने इच्छा कभी जाहिर नहीं किया इसलिए यू कैन नॉट टेल आप इनसाइड कैसे वो फंक्शनल कर रहा है टाइनी पार्टिकल है हाउ दैट योर वॉइस इज गोइंग देयर ट्रांसफॉर्मिंग गोइंग देयर हाउ ट्रांसमिटेड That is very different field. But in fact, अगर आप उस area से slightly, जैसे physics है, even I am chemist, मतलब physics, chemistry दोनों है, yeah, definitely, as a scientist, I supposed to know that. तो वो interest होता है. Sometimes, in bark, I had been given some, बहुत अलग type का हमें project दिया गया. That was not very familiar. But I took as a challenge. Two months, 3 months I studied, and finally we did that. इसका ये होता है कि interest है main. Again and again he said, whether you जो आप job कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो आप just as a work और ये enjoy कर रहे हैं. Like yeah, it is a challenge. I will do it. Exactly similar way. जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो subject कर रहे हो. See, all the time you don't depend on your teachers. You must study yourself before.
एक बार में ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, ओके, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए, आई थिंक डेफिनेटली यू कैन। और आप खुद जब स्टडी करते हैं ना, वो एक बार आपके दिमाग में घुस गया तो फिर यू विल नॉट फॉरगेट इट। मैं शायद कुछ क्लासेस में मैं गया था केमिस्ट्री फिजिक्स में, और मैं बताया था कि दिस आई डिड मे बी अराउंड 45 इयर्स एगो। अब तो मैं ऐसा नहीं कि वहाँ क्लास में पढ़ के मैं आया हूँ, बट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था एक समय, और मैं उसको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से मैं दिमाग में डाला। एंड उसी तरह आप लोग जो जस्ट जो पढ़ाई करें, नॉट जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उस अनुसार से मत पढ़िए, देन जस्ट यू विल गिव एग्जाम फॉरगेट। आप ये पढ़िए कि मैं कितना समझता हूँ, और जब भी आप कोई चीज टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, यू जस्ट थिंक कि अगर कोई यही पूछता है कि वेरी सिंपल लैंग्वेज यू एक्सप्लेन दिस, हाउ आई कैन एक्सप्लेन, यू रीड दैट। आप उस तरह से स्टडी, व्हाट एवर टॉपिक्स, ये मान के चलिए कि कोई भी है गांव का या कोई ऑर्डिनरी पर्सन आपको पूछ दिया कि हाँ भाई क्या, तो कितना हम सिंपल वे में हम कैसे समझा सकते हैं, दैट इज द वे। अगर रियली आप यू ट्राई दैट वे, तो ये देखिए मैं बताया साइंस के लिए वेदा इट इज ए बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी इनफैक्ट इवन ज्योग्राफी, देयर रियली इज पूरा आपका वर्ल्ड ओपन है आप अगर अच्छा करते हैं। अगर आप एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं तो आप पीजी कीजिए, नेट जेआरएफ यू मस्ट क्वालिफाई, और ऐसा नहीं कि नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं आपका सेशन रेगुलर करना चाह रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको चाहे थर्ड सेमेस्टर हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर मैं नेक्स्ट ईयर जून एंड में मैं एग्जाम आपका रिजल्ट मिल जाएगा, एक महीना भी आपको डिले। और ये हमारे आपको पता कर लीजिए, जो यहाँ नियर बाय जो भी यूनिवर्सिटीज हैं चाहे झारखंड में और दूसरी जगह, वो अभी सभी जगह डिले हो रहा है, और इस ईयर मैंने एक महीना सिर्फ डिले किया है, जुलाई में हमने दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट, नॉट ओनली जस्ट रेगुलर कोर्सेज, जो सेल्फ फाइनेंस है उसको भी हम रेगुलराइज करें, जिससे कि आपको एनफ, यू शुड गेट एनफ टाइम टू प्रिपेयर योर एग्जाम। जैसे है अगर जून में एंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो यू नो जैसे बार का इंटरव्यू होता है, बार का एग्जाम एंट्रेंस फरवरी में होता है, फरवरी मार्च में होता है, टीआईएफआर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आईआईटी बैंगलोर, आईआईटीज, देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया वेयर यू कैन अप्लाई, और वो आपको अगर जून तक मिल जाएगा, भले आप फरवरी मार्च में अपियर हो रहे हैं, यू कैन ऑलवेज राइट अपियरिंग रिजल्ट, यू शुड प्रोड्यूस दैट टाइम। और सोचिए अगर आपका सेशन ही लेट हुआ तो वैसे ही फिर चले गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट टाइम पे मिले, एंड आप नेट जेआरएफ अच्छा से दो तीन महीना आपको टाइम मिलेगा जो आप तैयारी कर सकते हो। यू नो वंस यू क्वालिफाई, सपोज आप एकेडमिक लाइन कंटिन्यू पीएचडी करना चाह रहे हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई विथ नेट विथ जेआरएफ यू विल गेट फेलोशिप एज ए नाउडेज इज ए गुड अमाउंट is about 35,000 or so plus HRA for first 2 years, just after 2 years SRA, तो उसमें आपको शायद 3,000 या कुछ बढ़ जाता है। मतलब क्या आने का मतलब, you will not be dependent on your family, आप अपनी PhD की पढ़ाई अपने independent रूप में whatever your economical background आप कर सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, वो 5 साल है, वैसे मिनिमम 3 साल में भी कर सकते हैं, 3 to 5 years, अप टू 5 year यू विल गेट फेलोशिप। यू नो अगर अच्छी जगह से किए हैं, अच्छे आपके पब्लिकेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जस्ट ये मत सोचिए कि पीएचडी करना है, यूजीसी के अनुसार ओनली 1 paper इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश द जर्नल, आई थिंक इज 1 मेबी। तो ऐसा मत सोचिए कि जस्ट उसके ही ले और बस, नो, यू शुड गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स एंड इट शुड बी पब्लिश्ड। आई एम टेलिंग फॉर साइंस यू शुड हैव ए जर्नल पब्लिकेशन, रेपुटेड जर्नल जिसकी इंपैक्ट फैक्टर हाई हो।
अदरवाइज विदाउट पब्लिकेशन योर रिकॉग्निशन विल नॉट बी देयर. आप बाहर जब अप्लाई करेंगे एनी इंस्टीट्यूट, यू नो आई गॉट फेलोशिप, जैपनीज फेलोशिप आई गॉट, गवर्नमेंट फेलोशिप, वेरी हाईली पेड, JSPS, यू मस्ट हैव हर्ड, जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस, इज अ वेरी बिग अमाउंट. व्हेन आई जॉइन दैट टाइम I was getting salary in India is about 9,500 rupees, 9,500 rupees, and I was very by that time I became the scientist E or O something, scientist E. But वहाँ मैं गया, I was getting about 4.5 lakh yen, and that was equivalent to about more than 1.5 lakh per month. You see, जो जिसमें हमारी salary या 9,500 था उसमें वहां मेरी सैलरी मोर देन 1.5 लाख पर मंथ. सी दैट इज ए आई गॉट ए गवर्नमेंट फेलोशिप. इट्स नॉट जस्ट सोर्स पर भी और वो सब नहीं है, दे सा दैट माय पेपर्स आई रोट ए प्रपोजल. वो प्रपोजल लिखनी पड़ती है बाहर, इफ यू विल गेट प्रपोजल बाहर में लिखनी पड़ती है, दैट इफ दैट प्रपोजल इज स्टिल JSPS इज एग्जिस्ट, हम्बोल्ट फेलोशिप जर्मनी में, दीज आर वेरी बिग फेलोशिप, NRC इज नेशनल रिसर्च फेलो, USA में भी है, कनाडा में भी है और ताइवान में भी है. ये सब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अभी से आप उसको ऊंची सोचो, नॉट जस्ट कि हम जस्ट जैसे तैसे भी MSc कर लिए और बस छोटा मोटा नौकरी करी, थिंक हाई, दीज आर ओपन, ऐसे नहीं है. मैं बोल रहा हूँ इंडियन दे आर प्लेंटी पीपल आर दे आर अब्रॉड, इवन यू कैन सेटल देयर आउटसाइड. हमारे 6 PhD मैंने करवाए फिजिक्स में, उसमें 5 बाहर में, एक चरणप्रीत कौर नाम है वो, शी इज इन ओटावा कनाडा, एक विनय रस्तोगी है वो UP का है, ही इज इन USA, एक अशोक चिलकोटी नाम है, ही इज फ्रॉम आंध्रा, ही इज इन चेक रिपब्लिक, एक स्पेन में है, और एक रामन्ना करके हैं वो तमिलनाडु की लेडी, वो UK में है, और एक गर्ल जो है नैनी बजाज करके वो IIT बॉम्बे में है. सो दिस पोजीशन, इवन IIT बॉम्बे सी इज गेटिंग 80,000+, एंड जस्ट 3 years बैक ओनली सी डिड, बिगनिंग में उसको आज शायद बढ़ गया होगा. क्यों उसको मिला उन लोगों को, इसलिए कि एक PhD में हमने मिनिमम 5 papers वी हैव, वी आर नॉट काउंटिंग कितना वो कॉन्फ्रेंसेस में, नो जर्नल पब्लिकेशन जो कनाडा में, उसके 11 papers हमने पब्लिश कराए थे, और ये भी जो है 5 papers 6 papers वगैरह ये है. देखिए उसकी बेसिस पे उनको यहाँ सिलेक्शन हुआ, बिकॉज इट्स ए वेरी गुड वर्क. मैं कह रहा हूँ आप लोग भी कर सकते हो, एक बार MSc आप करो, एक अच्छे इंस्टीट्यूट, यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हम लोग लैब जो अच्छा और सेटअप करने जा रहे हैं. एक बार नेट JRF विथ JRF आप करोगे तो एनी वेयर इन इंडिया यू कैन जॉइन, और इवन बार्क में भी जो PhD कराने की फैसिलिटी है, नाउडेज एवरी ईयर अबाउट 100 students आर टेकन फॉर PhD, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी, TIFR है, बोलते बताया, IIC बैंगलोर है, एंड वी यूज वेरी गुड अमाउंट, बहुत अच्छा और फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, बार यू कैन नॉट इमेजिन जो हमने जो खुद सेटअप किया है, सो मेनी, इवन टुडे जो मैंने लैब सेटअप किया, इवन टुडे यूनिक इन इंडिया, देयर इज नो एनी सेकंड ऑफ दैट टाइप, ऐसे भी हमने किया. तो इसके कारण आप भी यही दिखा सकते हैं, आप बाहर जाइए, बाहर में सिर्फ वर्क की पूजा होती है, हाउ मच नॉलेज यू हैव बाहर में, चूंकि मैंने समय बिताया है काफी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताया, जापान में मैं 1.5 साल एक बार रहा हूँ विद फैमिली, दूसरी बार मैं 3 महीना रहा हूँ जर्मनी, 2 times आया था, इटली 4 times आया था, और वहां जस्ट ऐसे घूमने के लिए नहीं गया हूँ, आई वेंट देयर फॉर एक्सपेरिमेंट. आप लोग शायद बहुत लोग नहीं सुने होंगे, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन एक स्पेशल टाइप का रेडिएशन होता है, लाइट होता है, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स इन ए सर्कल इट इमिट्स लाइट, फिजिक्स वाले जानते होंगे कि एनी चार्ज पार्टिकल फ्लक्चुएट्स मूव्स इट इमिट्स लाइट्स,
electromagnetic radiation. Based on that, only that synchrotron radiation works. It is in India also, placed in the RFCAT, Rajaramanna Research Center. They are in Indore. There also one instrument I have set up there, lab. Still that is working. But some extra things we wanted to do experiment. So I went to Italy, four times. Everything, payment, jaane aane ka, rehne ka, everything government supported. You will get. Even aap main kar raha hu, aap bhi agar PhD kahin join karte ho aise institutes mein, agar wo project likhte hain wahan, all over world, many places synchrotron center hai. Aur wo international centers hai. Jo aap agar achhe proposal likhoge, to then that will be accepted. Aur wo ek bar accept ho gaya, to everything you will get, all full support. Not only that, aap agar 10-12 din ke liye bhi jaoge, to 20-25,000 aaram se aap save kar sakte. उतना अमाउंट मिलेगा करने मतलब कि आप साइंस के हो देयर आर ओपन सो मेनी न्यू थिंग्स आर देयर डोंट आप अपने दिमाग को नैरो मत रखो यू जस्ट ओपन डिस्कस आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी मेरे पास कभी भी कोई स्टूडेंट अगर उस तरह से स्पेसिफिक पर्पस से इंटरेक्ट करना चाहता है ऑलवेज वेलकम मैं हमेशा तैयार हूं बट नॉट जस्ट गप करने के लिए नहीं अगर कोई स्पेसिफिक है कोई हेल्प है आई एम रेडी टू हेल्प यू इसलिए मैं बहुत से डिपार्टमेंट में विजिट भी कर रहा हूँ तो आपको अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली मैं ऑल ओवर सभी जगह गया हूँ जो हमें जानकारी रहेगी ऐसा नहीं है कि आई एम 100% नोइंग ऐसा नहीं आई एम ऑल्सो इज ए ह्यूमन बींग आई हैव ऑल्सो लिमिटेशन आई एम नॉट सेइंग दैट मास्टर ऑफ एवरीथिंग नो बट व्हाट एवर आई हैव knowledge. Definitely it is much more than what you have. कभी भी किसी प्रकार का भी है तो आप definitely you are welcome. But मैं चाहूँगा ये जो आपका समय है you must utilize it. Time को आप ये कीजिए. You must study, spend time 12-14 hours. Even I would say that जो दूर दराज से जो बस में travel कर रहे हैं I think you must every day night में आप सोचिए कल हमको travel करेंगे तो हम this portion I should be it should be in my mind मतलब आप उस चीज को confirm कर लेंगे ये मैंने कहने का मतलब आप while traveling also you must study always think about एक बार आप मंजिल प्राप्त हो गया ना that you will enjoy your life everything you will get money everything position लेकिन जब तक वो पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और यही कह रहे हैं आज आप रोओगे करने का मतलब सेक्रीफाइस करोगे टुमारो यू आर गोइंग टू बी ए स्माइल आज अगर आज स्माइल करोगे टुमारो यू आर गोइंग टू आप हमेशा दर्द ठोकर खाओगे देखिए अभी अपॉर्चुनिटी जितनी है ऐसा नहीं कि हम लोग इतने स्टूडेंट हैं इतने जॉब्स होते हैं यस अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी जो पीएचडी की जो बहुत स्कीम आ रही है बहुत से जगह लेबोरेटरी में हैं बहुत तो ऐसा नहीं है कि आप कर लेंगे और आपका फ्रेंड नहीं कर सकते हैं एंड ग्रुप में आप स्टडी कीजिए वो भी गुड आप जेलस की भावना कभी मत रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने फ्रेंड को कभी चीट मत कीजिए आप उसके साथ घूमिए टाइम स्पेंड उसका बर्बाद कीजिए अपने आके पढ़िए नहीं नहीं मैं तो पढ़ते ही हूँ नेवर डू दैट अपने काबिलियत पर ज्यादा आप भरोसा रखिए आई थिंक दैट इज मच मोर थिंग्स अपने काबिलियत अपने जो भी है अपने मेरिट के बेसिस पे एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज यू बोलने से नहीं कुछ होता है किसी को बोलने की जरूरत नहीं है या आई एम सो मच मैं इतना नॉलेज हूँ पीपल विल रियलाइज यू ऑटोमेटिकली पीपल विल रियलाइज यू आप फ्रेंड अच्छी है कुछ फ्रेंड का मान लीजिए कुछ उसका पॉजिटिव हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव होता है आप अगर 4-5 फ्रेंड मिले हैं मिल के पढ़िए ग्रुप स्टडीज वो कीजिए आई थिंक सक्सेस मिलेगा जरूर मिलेगा ओनली दैट टाइम यू मस्ट रिस्पेक्ट टाइम अगर वो टाइम आज जो बीत रहा है आपके साथ अगर वो एक बार पास हो गया दैट विल नेवर कम फिर आप जब बड़े हो जाओगे आपके बाल बच्चे होंगे तो अपनी जो
कुछ सोचा था आपने बच्चों पर लागू कि तुम ये करो इंजीनियरिंग करो ये करो नो यू डू फर्स्ट योरसेल्फ। मैं बताया कि आज हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड नॉट वेरी गुड बट आप इस तरह से आपके गार्जियन आपके ऊपर काफी उम्मीद किए हुए और बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो शायद बहुत मुश्किल से आपको पैसा दे पाए तो उसको आप ध्यान में रखिए। डोंट वेस्ट मनी और उनका जो मेहनत है उनको मत वेस्ट करें। मैं ये भी कहना चाहता हूँ मैं ऑलवेज मैं जब ऑफिसर्स का मैं क्लास ले लिया करता था वहाँ तो मैं बोला करता था कि कुछ लोग जो है आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन बन गए साइंटिस्ट उनके पास दिमाग है बट दिल में इच्छा है कि हम पावर चाहिए। साइंटिस्ट में कोई पावर ओवर नहीं होता है ना लेकिन अगर वो इच्छा है तो आपको मन तो नहीं करेगा तो क्या हुआ यू विल बी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो मैं बोला करता था कि अगर आपको ये है कि आईएएस बनना है या और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर बनना है बेटर दिस इज द टाइम यू जस्ट लीव इट छोड़ दीजिए आप ये छोड़ दो एंड यू ट्राई दैट। और मैंने एक्सपीरियंस मैंने देखा भी है हमारे यहाँ वो रूल था कि अगर कोई भी वो एवरीवेयर कि अगर आप ज्वाइन किए हो और कुछ दूसरा एग्जाम आप देना चाहते हो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफिशियल परमिशन एंड एवरीथिंग इज अ प्रॉपर चैनल करना पड़ेगा मतलब ही ज्वाइन बट वो हमेशा वो एक बार तो परमिशन लिया आईएएस रिटेन भी क्वालिफाई किया बट फाइनली नहीं हुआ एंड एक बार बिना इन्फॉर्म किए हुए वो आईएफएस में सेलेक्ट हो गए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वेरी बिग दैट इज ऑल्सो गुड जॉब UPS बट उससे अच्छा वही जॉब था जो ही वॉज डूइंग ऑलरेडी बट वो बिना इन्फॉर्म किए हुए डिपार्टमेंट को उसने ये किया यू नो ये भी प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब आपको कहीं ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो NOC चाहिए वहाँ का रिटर्न एंड दैट ही वॉज इन अ बिग ट्रबल। इनफैक्ट वो ये सिचुएशन आ गया कि उसको टर्मिनेशन का ही आ गया एक बार टर्मिनेट हो जाएगा ना तो आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज ही डिड इन्फॉर्म आवर ऑफिस एंड देन ही केम टू मी बिकॉज आई वॉज बॉस मैं ही उसका हेड था ही केम सर क्या किसी तरह बचाइए तो बोले कि जस्ट यू लीव दैट जॉब मैन यू राइट किसी तरह से तुम ये करो टुडे ही इज देयर बट आज जिस पोजीशन में पहुंचना चाहिए था ही इज नॉट बिकॉज उतना एफर्ट्स नहीं डाला वो ही वेस्टेड हिज टाइम टू प्रिपेयर समथिंग। मेरा कहने मतलब जो इच्छा था उसको उसी में लगना चाहिए था और डेफिनेटली वो यहाँ बिना ज्वाइन किए हुए अगर वो उसमें करता तो शायद सक्सेस हो जाता और जैसे आईएएस में हो भी गया था लेकिन वो दो नाव में पाँव रखा उसका तो उसको भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा कहने मतलब कि आपकी जो है आई थिंक दिस इज द राइट टाइम वंस अगेन आई एम टेलिंग यहाँ मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार का आपके जो कुछ फैसिलिटीज हो सकता है कमी है मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% इज फुलफिल हो सकता है। आई थिंक मैं ऑलरेडी आपके एचओडीज को बोला हुआ है कि कुछ छोटे छोटे जो चीज़ जैसे वॉशरूम वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो अपने लेवल से ठीक करा सकते हैं अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमारे ऑफिस में आता है और वहाँ से भी ठीक होता है बट उनको उसके पीछे लगना पड़ता है जस्ट एक लेटर भेजने से नहीं होता है। आपको भी मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी समस्या है डेफिनेटली यू आर वेलकम नॉट इन ए मास बड़ी संख्या कोई सोल्यूशन नहीं होता है यू जस्ट 2% यू कैन कम से ऐसा हमारा प्रॉब्लम है ये चल रहा है तो उन्होंने देख करके सो सी द इवन नेम जो दिया हुआ है हमारा वो टीचर का दिया हुआ है इसमें रियली मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे जीवन में अच्छे टीचर न रहते तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। मेहनत तो हमारी थी ऑफकोर्स देर इज नो डाउट बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होता है हमें भी रात दिन करनी पड़ी बट जो सजेशन था यू नो जब मैं केमिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पढ़ने के लिए मुझे फिजिक्स पढ़ने की इच्छा थी मुझे बहुत वैसे सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा थी जो जिसमें मिनिमम लिखना पड़े क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत वीक था लिटरेचर बहुत ही कमजोर था मैं पढ़ता ही नहीं चाहे हिंदी हो या इंग्लिश कुछ नहीं
एग्जाम के टाइम में बस दो तीन दिन जो पढ़ा बस, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा। तो मैं बायोलॉजी स्टूडेंट था हाई स्कूल में, बायोलॉजी के पहले एट्थ में ही आर्ट्स और साइंस के ये होता था, तो मैंने साइंस लिया था, बायोलॉजी पढ़ रहा था। उसकी भी कहानी है, मेरे बहुत से फ्रेंड जो बायोलॉजी में, पहले तो मैथ लिया लेकिन बाद में चेंज करा लिया बायोलॉजी, क्योंकि हमारे बाकी फ्रेंड फ्रेंडशिप के कारण मैं चला गया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से ही पास किया। तो जब आईएससी में तो यह था कि मैथ में तो नहीं मिलेगा, तो बायोलॉजी लेना पड़ा। लेकिन मेरी हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं बायोलॉजी तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा था। तो किसी तरह से मैं आईएससी किया फर्स्ट टीचर, तो मैं बोला अब नमस्कार करना है क्योंकि बायोलॉजी नहीं पढ़ना। एक ही टीचर हालांकि बोले कि तुम इतने कम समय इतना कर मार्क्स ला सकते हो, तो तुम बॉटनी पढ़ो, यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हो। मेरी सर नहीं अब नहीं। तो एनीवे मैं फिजिक्स लेना चाह रहा था, लेकिन हमारे टीचर बोले कि नहीं फिजिक्स का ज़्यादा स्कोप नहीं है, केमिस्ट्री का ज़्यादा स्कोप। मैं टीचर के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लेकिन केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास करना बहुत डिफिकल्ट है और फिजिक्स में फर्स्ट क्लास बहुत आसान है, क्योंकि जस्ट 4 साल का आप क्वेश्चन पढ़ लो 60%, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो आपको सब करना होगा। हम लिख सर वो छोड़िए, वो तो मेहनत मैं करूँगा। तो बोले कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हमने लिया। डेफिनेटली मैं एक साल में ही बीमार पड़ गया, और ऐसे बीमार पड़ा, लेकिन मेरी आदत थी, मैं बताया ना, मैं वेट नहीं करता था क्लास। 2 साल का मैंने नोट्स वोट्स सब बना के रख लिया था, पढ़ाई कर लिया था अपना कम्प्लीट। और इनफैक्ट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग आई विल टॉप, ये वो सोचता था, लेकिन बीमार पड़ गया। और बीमार ऐसा पड़ा, वही बोला कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीमार ऐसा पड़ा कि मैं खटिया पकड़ लिया। इवन में जो एग्जामिनेशन का डेट निकला फॉर्म भरने के लिए, उसमें भी हम आ नहीं सके हजारीबाग, इवन 30 किलोमीटर जस्ट यही है। तो वो हमारे लिए, हमारे फ्रेंड ने फॉर्म भर दिया, उन लोगों ने साइन किया, और मैं किसी तरह फिर एग्जाम, मेरा तकदीर भी कुछ ऐसा था सुटेबल था, मैंने 1 महीना एक्सटेंड करके हमारा डेट, और आई वॉज लकी और मैं वो दे दिया। तो उस तरह से हम फिर मैं फर्स्ट क्लास किया। आप सोचिए कि अगर मैं एक साल में नहीं तैयारी किया रहता तो शायद मैं पास भी करना मुश्किल होता। इसलिए मैं वही कहता हूँ कि आप कोर्स क्लास में जाइए, बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्लास में क्लियर होता है, आप किसी कोई दूसरा कोई समझाता है ना, लेकिन पहले आप पढ़े हुए हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एनीवे बहुत सारी चीजें अब हम लोग ने बात की है, आई थिंक मेनी थिंग्स आई व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इस तरह का इंटरेक्शन हम होपफुली एवरी 2 to 3 months वी आर गोइंग टू, बट ऐसा नहीं है कि वो आप उसी का इंतजार कीजिए। कोई डिपार्टमेंट ये सेपरेट डिपार्टमेंट, आपको कोई पर्टिकुलर समस्या है, यू कैन कॉल मी देयर, आई कैन कम टू योर डिपार्टमेंट और आपकी बात मैं सुन सकता हूँ, और जो भी सॉल्यूशन होगा वी विल फाइंड आउट। सो लास्टली आई वुड से दैट आप जस्ट मेहनत कीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, बट साथ में ऑलवेज यू सी दैट आपका हेल्थ अच्छा हो। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो हेल्थ एंड ए कैरेक्टर, 2 things आर वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छे व्यक्तित्व के लिए कैरेक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा भी गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मैं हमेशा उसको मानता हूँ, ऑलवेज जब से मैं वो कविता पढ़ा मैंने अपने जीवन में, वो हमेशा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और वो कविता हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी भी टेबल पे वो कविता मिली है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, लास्ट 4 lines वेरी इम्पोर्टेंट, अगर आप उसको डीपली अगर आप समझेंगे पूरा लाइफ का आपकी मैंने अगर अमल करेंगे आपको सक्सेस में कोई नहीं रोक सकता।
lines are like this. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी उस बारे में बता चुका हूँ। ये जीवन आपका है, मंजिलें कुछ हैं, उस दौर मंजिल प्राप्त करने के रास्ते में बहुत आपको ब्यूटीफुल, बहुत से अट्रैक्शन होगा, रिश्तेदार होंगे, बहुत से रुकावट पैदा कर, ये आपको आप सोचना है वेदर वहाँ हम टाइम उस तरह। जो पोइट था वो किसी जंगल से गुजरा, इतना बढ़िया इतना नज़ारा था कि उसको कह रहा था कि द वुड्स आर लवली डार्क कंट्री, तो यू स्पेंड सम टाइम, बट वो उसको बोला है कि बट आई एम माइल्स टू गो बिफोर आई सी। वो है कि हमें अभी उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए कहीं दूर जाना है, अगर यहाँ इस तरह से हम स्पेंड करेंगे तो आई विल मिस दैट पॉइंट। आई थिंक रियली अगर ये आप अपने जीवन में अगर अमल करेंगे तो डेफिनेटली मैं 100% मैं श्योर हूँ कि आपको जरूर सफलता मिलेगी। एट द लास्ट आई वुड से दैट फील फ्री टू इंटरेक्ट विद मी एनी टाइम। कभी भी लगता है कि कुछ हमसे आपको कुछ मिल सकता है, आई विल रियली डेफिनेटली मैं इंजॉय करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट मुझसे कुछ अगर पूछता है। ओके, विद दिस वर्ड थैंक यू।